दिल्ली और मुंबई में जहां एक और कोरोना से संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं, तो दोनों ही शहरों से अच्छी खबर भी है। दिल्ली में जहां 2 दिनों से कोरोना से मौत की कोई खबर नहीं आई, वहीं मुंबई में कंटेनमेंट इलाके का दायरा कम हुआ है। देश के दो बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई में कोरोना कहर बना हुआ है। लॉकडाउन, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के बाद भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,500 के पार जा पहुंची। यहां 24 घंटे में 500 से ज्यादा केस बढ़ गए। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र की तस्वीर आर्थिक राजधानी मुंबई ने बिगाड़ी है, जहां वायरस की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 5,700 से ज्यादा हो गया। मुंबई में 24 घंटे में 369 नए केस जुड़ गए, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 219 तक जा पहुंची। 24 घंटे में ही 15 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। मुंबई के लिए अच्छी बात यह है कि कंटेनमेंट जोन लगातार कम हो रहे हैं। कभी यहां 1,036 कंटेनमेंट जोन होते थे, जो अब घटकर 805 हो गए। 231 इलाकों में 2 हफ्तों से कोरोना के कोई नए मामले नहीं आए। मुंबई के कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,036 पर्यंत पोहोचली होती, मात्र त्यापैकी 231 कंटेनमेंट जोन मध्ये गेल्या 14 दिवसात एकही रुग्ण सापडला नाही, त्यामुळे 231 कंटेनमेंट झालेले, ज्याला आपण बिग 10 म्हणतो, म्हणजे यादीतून वगळले गेले। आत्ता मुंबईतील कंटेनमेंट झोनची संख्या 805 एवढी झाली आहे। राजधानी दिल्ली की स्थिति अजीब है। 2 दिन पहले यहां सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए थे, लेकिन 24 घंटे में रिकवर होने की संख्या नहीं बढ़ी। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,000 के पार हो गई। 24 घंटे में 190 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह है कि 48 घंटों में दिल्ली में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दिल्ली में 2 और इलाकों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में अब कुल 99 इलाके सील हैं। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले 1 हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में गुड न्यूज है। यहाँ 14 हॉटस्पॉट जोन अब ग्रीन जोन में बदल गए, मतलब यहाँ 2 हफ्तों से कोई नया मामला नहीं आया। नोएडा में कोरोना से किसी की मौत भी नहीं हुई है। अभी हमने हॉटस्पॉट्स की रिलीज किया है, टोटल 33 हॉटस्पॉट्स है, उसकी रेड और ऑरेंज और इवन ग्रीन हॉटस्पॉट्स भी आज काफ़ी हुई है। जो पहले ऑरेंज था वो ग्रीन हुआ है, और टोटल जैसे मैंने कहा कि 71 ऐसे केसेस हैं जो ठीक होके स्वस्थ होके घर लौट चुके हैं, और आज की तारीख में 58 केसेस एक्टिव केसेस पेंडिंग है। लेकिन नोएडा में एक ही दिन में 8 हेल्थ वर्कर्स के पॉजिटिव होने से हड़कंप जरूर मचा है। अब यहां कोरोना से बीमार लोगों की संख्या बढ़कर 129 हो गई। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात और मध्य प्रदेश में तो कोरोना की रफ्तार डराने लगी है, जहां संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दोनों ही राज्यों में कोरोना का कोई खतरनाक रूप तो नहीं है। चीन के वुहान से महामारी बनकर निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में लाशों की ढेर लगा रहा है, लेकिन इसकी मार हर जगह एक सी नहीं है। कहीं ये कत्लेआम मचा रहा है तो कहीं ये शांत पड़ा है। मसलन भारत के केरल को ही ले लीजिए, जहां सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी, लेकिन 4 महीने बाद भी यहां सिर्फ 4 मौतें हुई, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये वायरस कहर बरपा रहा है। आखिर इतना फर्क क्यों है? जगह बदलते ही कोरोना की मारक क्षमता क्यों बदल रही है? भारतीय वैज्ञानिक भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटे हैं। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं ये पता चला कि कोरोना के 3 प्रकार होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन कोरोना के 2 नए स्वरूपों पर काफी बहस चल रही है। इनमें एक है कोरोना एस और दूसरा कोरोना एल। माना जा रहा है कि कोरोना एल काफी खतरनाक है, और गुजरात और मध्य प्रदेश में इसी ने कहर बरपाया है।
आंकड़ों को देखें तो गुजरात में कोरोना संक्रमित की संख्या 3500 के पार हो गई। इनमें आधे मामले सिर्फ अहमदाबाद में हैं। इस सूबे में अब तक 162 लोगों की कोरोना से जान गई। इनमें 109 की मौत अहमदाबाद में हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2100 से ज्यादा हो गई। इनमें आधे से ज्यादा मामले इंदौर के हैं। यहां अब तक 110 लोगों की मौत हुई। इनमें भी इंदौर सबसे आगे है। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में रिसर्च चल रही है कि कहीं मौत के बढ़ते आंकड़ों के पीछे कोरोना के एल स्ट्रेन वाले वायरस तो नहीं है। बताया गया है कि दो प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन है, एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट जिसकी असर ज्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना एल की थियरी को नकार दिया है। आज तक से बातचीत में WHO का कहना है कि कोरोना के 10,000 जीनोम के सीक्वेंस में कोई अव्यवहारिक लक्षण नहीं दिखे। And we're looking at the changes in the virus to see if any of those changes mean that the virus has mutated and that it changes in terms of its transmissibility or its ability to infect people or its ability to cause severe disease. And so far, this virus is relatively stable. There are changes in the virus which are expected in RNA viruses, but these changes are within the expected range. हालांकि कोरोना के लक्षणों में बदलाव की बात WHO भी मान रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि कहर बरपाने वाले इलाके में कोरोना का कोई अलग खतरनाक स्वरूप है या नहीं। ये तो आने वाले वक्त में रिसर्च के बाद ही साफ हो पाएगा। भोपाल से रविश पाल सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में विलेन बने जमाती अब देवदूत बन रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे अच्छे आने के बाद हर राज्य ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा दान करने की अपील कर रहा है और जमाती भी इस नेक काम के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना फैलाने के आरोप झेलने वाले तबलीगी जमात के सदस्य अब जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। ये तस्वीर है मुंबई के अब्दुल रहमान की। 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला था और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नैयर अस्पताल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले आए। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा, इसमें लिए मुझको बुलाया गया था। अब्दुल रहमान ही नहीं, उनके जैसे कई जमाती हैं जो कोरोना को हराने के बाद जिंदगी जिंदाबाद कहते हुए प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रहा है। अब करीब हर राज्य इस थेरेपी को तवज्जो दे रहे हैं और ठीक होने वालों से प्लाज्मा दान देने की अपील कर रहे हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं अगर उनके लिए ये ब्लड प्लाज्मा फायदेमंद है तो मैं सब खुशी से अपनी जो है ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूं। कल लखनऊ के KGMU अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। कोरोना पीड़ित इस मरीज को डायबिटीज भी थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्लाज्मा देने के बाद संकेत अच्छे दिख रहे हैं। उनके आज के मॉर्निंग से वेंटिलेटर के पैरामीटर्स बेटर हुए हैं और लैब की टेस्ट भी कुछ बेहतर दिख रही हैं, तो आरंभिक संकेत आशाजनक हैं और सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीमीटर प्लाज्मा दान कर सकता है जिसे दो मरीजों को चढ़ाया जा सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।
हरिद्वार में गंगा का पानी तो बिना फिल्टर के पीने लायक हो गया है, यहाँ इंसानों से फैलने वाली गंदगी में 34% की कमी आई है। हरिद्वार में गंगा कैसे निर्मल हुई, इस पर आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने स्पेशल रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप भी। पहाड़ों पर अपने उद्गम स्थल से जब गंगा नदी नीचे की ओर आती है तो ऋषिकेश वो पहला पड़ाव है जब पहाड़ों को छोड़कर वो समतल जमीन पर आती है, इसीलिए यहां पर आपको आवेग बहुत दिखेगा। यहां पर पानी के प्रदूषण की वैसी समस्या नहीं रही है, गंगा जल यहां पर स्वच्छ रहा है, लेकिन चूंकि अलग अलग इलाकों से, चाहे वो आश्रम हो जाए या फिर देहरादून से आने वाला जो सीवेज का पानी हो जाए, जो दूसरी नदी में मिलता है जो गंगा की सहायक नदी है, तो उस कारण यहाँ के जल को भी बी श्रेणी का माना गया। अब पानी को की स्वच्छता को मापने के लिए अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाता है, लेकिन आज की तारीख में जो स्टडीज की गई हैं उसके हिसाब से जो गंगा जल है ऋषिकेश में वो ए श्रेणी में आ रहा है। अब ए श्रेणी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलिफॉर्म की जो मात्रा है इसमें कम है और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि आप आराम से बस डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल के बाद यहाँ के पानी को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी श्रद्धावश लोग हमेशा से गंगा जल से आचमन करते ही आए। हम इस समय हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में भी अगर आप गंगा जल को देखेंगे तो आपको आम दिनों से ज्यादा स्वच्छ गंगा जल नजर आएगा। अंतिम पत्थर तक आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आंखों से, बावजूद इसके कि इस समय आसमान में बादल हैं और बरसात भी यहाँ पर हुई है, लेकिन सिर्फ ये एक मन का भाव नहीं है। दरअसल जो प्रदूषण मापने की तमाम एजेंसियां होती हैं उन्होंने भी माप कर कहा है कि जल की सेहत में सुधार हुआ है। पंजे आप यहाँ पर हमेशा से, गंगा आरती तो अभी भी लगातार जारी है, लोग बस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा के साथ दिल को कितनी प्रसन्नता होती है जब गंगा जल को आप थोड़ा और स्वच्छ देखते हैं। बिल्कुल स्वच्छ है गंगा जी का जल समय, पहले तो नदी नाले कोई नहीं डलते हैं, इसलिए इतिहास में भी पहली बार ऐसा देखा है। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, बहुत सारे अनशन हुए जो अलग अलग आश्रमों में जो स्वामी जी लोग थे उन लोगों ने किए, प्राण त्यागे सबने, और आज लॉकडाउन के एक महीने गुजरने के बाद गंगा इतनी स्वच्छ, लॉकडाउन के बाद ही इतना स्वच्छ जल है गंगा जी का जी। उससे पहले नहीं कभी कोई भी कितना भी कर पाया, स्वयं गंगा ने अपने आप ही है अपने आप को स्वच्छ कर लिया। तो स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, ये तीन चीजें कही जाती हैं। स्वच्छता के लिए घाटों का भी पक्का निर्माण हुआ, अविरलता तो खैर चूंकि बहुत सालों पहले बांध बन गए और बराज का निर्माण हो गया तो अविरलता में बाधा जगह जगह पर दिखी, लेकिन निर्मलता जो है जल की वो पहली बार ऐसा लग रहा है कम से कम लोगों को अपने जीवन काल में कि गंगा को इतना निर्मल देख पा रहे हैं। श्वेता सिंह, हरिद्वार आज तक। और अब देखिए कोरोना को मात देकर लौटने वालों का उनके अपने लोगों ने कैसे स्वागत किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की और दिल्ली की। दिल्ली के कांस्टेबल के ठीक होकर लौटने के बाद तालियां किस तरह से बजाई गई ये भी देखिए। तो मुंबई में जमकर बरसे हैं फूल, दोनों ही तस्वीरें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब स्वस्थ होकर ये दोनों लोग लौटे हैं उस दौरान की है। महाराष्ट्र आज भी कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें भी मुंबई का हाल अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तैयारी है 75,000 बेड की ताकि संक्रमित लोगों का मुकम्मल इलाज हो पाए। मुंबई वैसे तो कोरोना से करा रही है, उस पर से धारावी झुग्गी की सबसे घनी आबादी कोरोना के लिए और रास्ता आसान बना देती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर मुश्किलें ज्यादा हो गई, कोरोना के केस यूं ही बढ़ते गए तो क्या होगा। त्याच्यासाठी मी फोटो दाखवतोय, असे आपण गोरेगाव मध्ये जिकडे एक्झिबिशन ग्राउंड आहे तिथे ही तयारी करतो आहोत, केलेली आहे म्हणजे तुम्हाला बघताय तुम्ही।
त्याच्यानंतर वरळीला सुद्धा आपण करतो आहोत, तिकडे सुद्धा ही तयारी आहे. मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने सबसे बड़ी तैयारी कर रखी है. गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्थित नेक्सो का एग्जीबिशन सेंटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्वारंटीन सेंटर के रूप में काम करेगा. इसमें एक साथ 1240 लोग क्वारंटीन रह सकेंगे. मुंबई में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से मुंबई में एक ऐसी फैसिलिटी बनाने की कोशिश लगातार की जाती है जहां पर जो लोग हैं क्वारंटाइन में उनको रखा जा सके. इस वक्त हम मुंबई के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर यानी कि नेस्को ग्राउंड पर मौजूद है और इस पूरे ग्राउंड को अब है पूरी तरीके से क्वारंटाइन फैसिलिटी में है बदला जा रहा है. आपको बता दें कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल है और उस पूरे सभी हॉल्स को जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदला जा रहा है. मुंबई की ऐसी और सुविधाओं की शिद्दत से जरूरत है क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अनुमान है कि मुंबई को 75,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है. इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की प्लानिंग 75,000 तक नए बेड मुहैया कराने की है. इसके लिए तैयारी यह है कि सेवन हिल्स अस्पताल में 1500 बेड, BYL नायर अस्पताल में 1000, GT अस्पताल में 200, सेंट जॉर्ज अस्पताल में 500, HBT ट्रॉमा सेंटर में 200, ESIS में 200, नानावती में 100, बॉम्बे अस्पताल में 200, हीरानंदानी अस्पताल में 100, रहेजा में 100, जसलोक में 100 और फोर्टीज में 100 सीटों का इंतजाम किया जा रहा है. वैसे एक तसल्ली की बात यह है कि मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या में इस हफ्ते कमी आई है. कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां से कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं. BMC ने संक्रमण रोकने के लिए ऐसे इलाकों को सील कर दिया है, यहां से बाहर आने जाने की पाबंदी है. तो कंटेनमेंट जोन की संख्या 1036 से घटकर 805 इसलिए हो गई क्योंकि 231 इलाकों से पिछले 2 हफ्ते में कोई नया केस नहीं आया है. BMC की लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें. मुंबई के आगे की राह कठिन जरूर है पर असंभव नहीं. सौरभ पक्तानिया, मुंबई आज तक. कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है. दिल्ली के बाद लखनऊ में भी गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई जिसने कमाल कर दिया, जिसके नतीजों से प्रभावित होकर SGPGI लखनऊ ने भी प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने का फैसला किया है. कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी सबसे कारगर हथियार साबित हो रही है. दिल्ली के बाद अब लखनऊ में कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हो गया है. लखनऊ में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हुई जहां कोरोना को मात दे चुके डॉक्टर तौफीक खान और उमा शंकर पांडे ने प्लाज्मा डोनेट किया. दोनों के प्लाज्मा का इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार मरीजों में किया गया. 12 घंटे में ही कमाल देखने को मिला, जब गंभीर रूप से बीमार मरीज की सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिला. आगे भी इस मरीज को प्लाज्मा का एक और डोज देने की तैयारी है. यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी और 3 ऐसे मरीज जिनका की विश्वविद्यालय के इस अस्पताल में ही सफलतापूर्वक इलाज किया गया था. आइए आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है. प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के खून से प्लाज्मा लिया जाता है, फिर उसे संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाता है. ये प्लाज्मा शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं जिससे वायरस को खत्म करने में मदद मिलती है. 14 डेज के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे KGMU में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ. और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें. उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1850 के पार हो चुकी है. करीब 29 मरीज वायरस से जंग हार चुके हैं, लिहाजा लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल SGPGI में भी अब प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की तैयारी है. इसके लिए अस्पताल मैनेजमेंट ने KGMU और राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्लाज्मा डोनर की मांग की है. बाकी हॉस्पिटल जैसे KGMU है, RML है, तो वहाँ पे जो पेशेंट इम्प्रूव हुए हैं तो हम आके पेशेंट से अनुरोध करेंगे कि अगर वो अपना ब्लड डोनेशन जिससे कि हम प्लाज्मा सेपरेट कर सकें और ये पेशेंट को दे सकें. लाइलाज बीमारी कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के शानदार नतीजों को देखते हुए
अब कई और राज्य भी इसे अपनाने की तैयारी में हैं, ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। एक तरफ जहां कोरोना योद्धा जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें नई जिंदगी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे भी मरीज हैं जिनका नाच नखरा आपको हैरान कर देगा। देखिए भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती इस मरीज का ड्रामा और सुनिए जरा। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला रक्तदा दिलकुशाबाद खुल्लो। अरे वीडियो बन रही है? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। लॉकडाउन में फंसी जनता के लिए अब सब्जी टेंशन बढ़ाने वाली है। ट्रकों की आवाजाही कम होने से और मजदूरों की किल्लत से सप्लाई पर इसका असर पड़ा है। बेमौसम बारिश ने भी सब्जियों के भाव को बढ़ा दिया है। कोरोना का खौफ और लॉकडाउन का असर दोनों ही सब्जियों के दाम पर भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में सब्जियों की सप्लाई 50% तक कम हो गई है। मंडी के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए APMC ने ट्रकों और मजदूरों की संख्या में कटौती की है, लिहाजा आने वाले दिनों में सब्जी के लिए जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। इस समय सरकार को देखना चाहिए कि हर व्यापारी हो या किसान हो, उनके लिए सुविधा रखे, जबकि सुविधा कोई इनके लिए कोई अभी तक नहीं जारी की गई है। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से भी सब्जियों की फसल बर्बाद हुई है, इसका असर भी सब्जियों के दाम पर पड़ना तय है। बेमौसम बरसात हो जाने के कारण ओला पड़ने से और सारी फसल भी और लॉकडाउन चलने से हम लोगों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है। 40 दिन के लॉकडाउन में अभी 6 दिन और बाकी हैं। आगे भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा इस पर संशय है, लिहाजा जब तक डिमांड और सप्लाई का गैप कम नहीं होता, सब्जियों के दाम नीचे आने के आसार नहीं है। दिल्ली से प्रशस्त शांडिल के साथ आज तक ब्यूरो। जो लोग लॉकडाउन के दौरान घर में लॉक नहीं है, उन्हें पुलिस अलग अलग तरीके से सबक सिखा रही है। कोई थर थर कांपता नजर आया, तो कोई बिजली के खंभे पर चढ़ गया, किसी ने नेटवर्क की तलाश में पेड़ पर आशियाना बना लिया, कहीं चट मंगनी और पट ब्याह हो गया, तो कहीं बाइक पर ही दुल्हन विदा हो गई। लॉकडाउन के बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। एक एम्बुलेंस, कुछ पुलिस वाले और हाथ पैर जोड़ता एक शख्स। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई मरीज है, लेकिन जनाब ये मरीज नहीं बल्कि कोरोना को चुनौती देने वाला वो जाबाज है जो लॉकडाउन के बीच सड़क पर बेधड़क घूम रहा था, वो भी बिना मास्क के। इस दिलेर की सारी दिलेरी उस वक्त काफूर हो गई जब पुलिस ने इसे एम्बुलेंस में डाला और 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजने की बात कही। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर की हैं, जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये नायाब तरीका निकाला। आगरा में तो एक युवक स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया, धमकी ये कि अगर लॉकडाउन खत्म नहीं किया तो वो पोल से कूद कर जान दे देगा। पुलिस पहुंची, दमकल विभाग की टीम भी पहुंची, खाना खिलाया और खूब समझाया, तब जाकर ये युवक और उसका गुस्सा सातवें आसमान से नीचे उतरा। पेड़ पर पड़ी चारपाई की तस्वीरें भी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, पर डेरा डालने वाले ये वो छात्र हैं जो लॉकडाउन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क है कि मिलता ही नहीं। आखिरकार परीक्षा के फिक्र ने इनकी खटिया पेड़ पर लटका दी। ये तस्वीरें बूंदी की हैं। लॉकडाउन के बीच शादियों की भी बहार है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शादी के सारे रिकॉर्ड टूटे और दूल्हा दुल्हन महज एक घंटे में एक दूजे के हो गए। संगरूर में तो दूल्हा बाइक पर ही शादी रचाने पहुंच गया। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने पर पुलिस ने बाकायदा उसका स्वागत भी किया। आज तक ब्यूरो।